किस पार्टी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया है। समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि आज से इंशाल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। ये तैयार हो ना हो हम तैयार हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब में टिकटों की तकसीम पर कारकुनों के खदशात दूर करने के लिए नई कमेटी कायम करने पर मशावरत की। साबिक वज़ीर आज़म ने ईद के पहले रोज टिकटों की तकसीम के हवाले से खदशात का जायजा लिया। चेयरमैन पीटीए इमरान खान पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से मौजूदा रिव्यू कमेटी की सरपराई खुद करेंगे। कमेटी के दिगर मुम्बरान में वाइस चेयरमैन पीटीए शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इजाज चौधरी समेत दीगर शामिल होंगे। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीए इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो वो सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन साथ ही एक इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि हुकूमत जून जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन की तजवीज दे तो वो हुकूमत से मुदाखलात के लिए तैयार हैं। पीटीआई हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों का मौकफ है कि सितंबर में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले जब भी इलेक्शन हो जाएंगे इन्हें कबूल है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस इमरान खान की इस फरमाइश पर अमल दरामद मुमकिन बनाने के लिए अपने ओहदे तक को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं।